दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। निरंतर कोरोना की न्यूज, कोरोना के समाचार हम सुनते जा रहे हैं लगभग हर एक मीडिया के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर, रेडियो के ऊपर, हमारे व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक एटसेट्रा एटसेट्रा। आप सभी जानते हैं कि ये मीडिया ने हमें ज़्यादा परेशान किया है। ये निरंतर हमें ऐसे पॉपअप्स दे रहा है, ऐसे न्यूज, ऐसे मैसेजेस प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से निरंतर हमारी मानसिकता क्षीण होती जा रही है, कमजोर पड़ती जा रही है। दोस्तों आप इसका चयन करें कि आपको वो न्यूज सुननी है कि नहीं सुननी। ठीक है, कोरोना एक वायरस है, इसका अटैक भारत पर हुआ है, लेकिन आप इतने भी कमजोर नहीं हैं कि आप उससे घबरा जाएं। आपके पास मेजर्स हैं ठीक होने के, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए किसी भी चीज से लड़ने के लिए, किसी भी वायरस के अटैक को झेलने के लिए। इसलिए अपनी स्थिति को निरंतर अपने कंट्रोल में रखिए। मैं ये मानता हूं कि अगर आप मानसिक रूप से कमजोर हो गए तो आपकी मानसिकता ही आपको बीमार कर डालेगी, भले ही कोरोना वायरस आपके पास आए या ना आए, अटैक करे या ना करे। ऐसे लाखों करोड़ों वायरस, ऐसे लाखों करोड़ों बैक्टीरिया निरंतर आपकी हर एक श्वास के साथ में आपके अंदर जाते हैं और आपकी बॉडी की हीट से ही मर जाते हैं या वापस निकल आते हैं। आपके अंदर इतनी रेजिस्टेंस पावर है, ईश्वर ने आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग की है कि आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। प्रिकॉशनरी मेजर्स जरूर लेने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कहीं पर टच ही ना करें, किसी से बात ही ना करें, क्राउडेड प्लेसेस पे ही ना जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास योग के, एक्यूप्रेशर के, कलर थेरेपी के, मेडिटेशन, दुनिया भर के आपके पास साधन अवेलेबल हैं, जिसको यूज करके आप निरंतर स्वस्थ हो सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं। ध्यान रखिए, हम बात करते हैं हमेशा इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी है तो शत्रु आपका कुछ भी नहीं कर सकता। अपना सुरक्षा कवच जो कि आपकी इम्यूनिटी है, उसको अपने साथ में लेकर चलिए। अगर आपकी इम्यूनिटी ही खराब हो गई तो दोस्तों छोटे से छोटा इन्फेक्शन भी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो यहां चलते हुए मैं आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहता हूं। आप रात्रि सोने से पहले केवल 2 मिनट के लिए स्टीम लीजिए, सिंपल पानी की स्टीम लीजिए, अपने फेस को उस वेसल के ऊपर करके केवल स्टीम लीजिए और फिर उसी पानी से, जो पानी बच गया है, उसी से गार्गल कर लीजिए, 5 से 7 गार्गल सेंधा नमक डालकर। दैट्स इट, कुछ नहीं करना, सेंधा नमक डालिए। सेंधा नमक नहीं है तो जो आपके पास टेबल सॉल्ट है वो डाल लीजिए और मुकर लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपके टॉन्सिल्स हैं, यहाँ पर जो इन्फेक्शन जमा हो जाते हैं, जो कि आपकी फायर वॉल है किसी भी इन्फेक्शन को बचाने के लिए, वो फिर से क्लीन हो जाती है। कोई भी इन्फेक्शन जो चिपके होते हैं वो हट जाते हैं और फिर से वो लड़ने में एकदम सक्षम हो जाते हैं। तो आज से ही करिए, अपने बच्चों को भी करवा लीजिए, पेरेंट्स को भी करवाइए और इस संदेश को फैला दीजिए, ये कोरोना आपको कुछ भी नहीं करेगा, विश्वास मानिए। इस वीडियो को सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ज्यादा से ज्यादा आप इसको फैलाने की कोशिश करें। शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।